दोस्तों साउथ अफ्रीका पहुंचते ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का होटल के कमरे में हुआ हार्ट अटैक से निधन। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटरों का साउथ अफ्रीका में रो रो कर हुआ बुरा हाल। आखिरकार दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं रोहित शर्मा को कैसे आया हार्ट अटैक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों साउथ अफ्रीका में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। दोस्तों T20 सीरीज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 1-1 से बराबर रही, तो भी दोस्तों अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला वनडे मैच 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के मैदान पर भारतीय टाइम अनुसार 2:30 बजे शुरू होगा। तो भी दोस्तों सीरीज का दूसरा वनडे मैच 19 दिसंबर को गेबरा के मैदान पर भारतीय टाइम अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। तो वही दोस्तों सीरीज का आखिरी वनडे मैच 21 दिसंबर को पर्ल के मैदान पर भारतीय टाइम अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। तो वही दोस्तों इसके बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, इसलिए दोस्तों टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका पहुंचे। दोस्तों साउथ अफ्रीका पहुंचते ही रोहित शर्मा के लिए आई बुरी खबर। जी हां दोस्तों, MI ने रोहित शर्मा को हटाया कप्तानी से। दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया तो रोहित शर्मा के फैंस ने सोशल मीडिया पर MI की वाट लगा के रख दी। जी हां दोस्तों, एक ट्विटर यूजर ने कहा कि मुंबई इंडियंस को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, तो वही दोस्तों एक दूसरे ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि मुंबई इंडियंस के मालिक को फांसी लगा लेनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा के साथ अच्छा हुआ या बुरा? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।